सर काफी समय बाद विद्यालय में बच्चे आने लगे हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर विद्यालयों को पुनः शुरू किया है। किस तरीके की बच्चों को बैठाने करने की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? सर पहला तो जो गवर्नमेंट ने SOP गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग वगैरह बच्चों को पेरेंट्स को बुला के उनकी मीटिंग ली है और उनके मास्क के लिए अवेयर किए है। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आते उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अलग से पानी की बोतल लाने के लिए कहा गया कि पानी की हो सके यहाँ तक घर से बोतल लाए। एक दूसरे को कुछ जो भी वस्तु है किताब है एक दूसरे की एक्सचेंज नहीं करें, ये बच्चों को हमने गाइडलाइन दी है और समझाया। अभी विद्यालय में बच्चों को बगैर मास्क के देखा गया है, यहाँ तक कि टीचरों को भी बगैर मास्क के देखा गया, वहीं दो दो क्लासे एक ही रूम में बैठा रखी है। किस तरीके की व्यवस्थाएं आपकी हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो अव्यवस्थित होती नजर आ रही है? नहीं सर, वो क्या है कि अभी जो एक टीचर थे उनके कोई एक्सपायर हो गया तो वो आप देखे होंगे कि मैंने अभी तुरंत देख ली वो BEd वाले इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको एडजस्ट किया। बाकी मास्क ये है सर बच्चों को अभी वो कहते हैं सर दम घुटता है वो ऐठा लेते हैं फिर उनको डांटते हैं फिर लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा है तुरंत आपको देखते ही उन्होंने लगा लिया तो वो उनको कहते हैं मास्क सब रखते हैं वो तो उस समय के लिए हटा लेते हैं। फिर अब उन बच्चों को गाइड भी करते हैं, वो छोटे बच्चे हैं फिर हटा लेते हैं फिर लगा लेते हैं कह रहे थे। ये है सर। आपका नाम सर? सर मेरा सुरेश कुमार जानी प्रधान चाहूंगा।